हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो जस्ट नाउ रिटेस्ट का पेपर खत्म हो चुका है एंड सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही ये पेपर इजी गया है। सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर मतलब आज का पेपर जो था सेक्शन फॉर्मेट वाला पेपर था, जो सालों साल से पेपर सीईटी का चल रहा है। मैथ्स में मैथ्स 50 मार्क्स का, लॉजिक रीजनिंग 75 मार्क्स का, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 मार्क्स का एंड वर्बल 50 मार्क्स का, इस तरीके से पेपर आया था। मतलब स्लॉट 3 में, स्लॉट 2 में जैसे मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आपको कैलकुलेट करने को भी प्रॉब्लम हो रहा था, बट यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से सेक्शनल फॉर्मेट का पेपर आया था। टॉकिंग अबाउट मैथ्स, नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, टाइम एट मॉक ट्रेन, रेशियो एवरेज, डीआई का एक सेट था, टूर्नामेंट के कुछ क्वेश्चन थे, बट मोटा मोटी मैथ्स का भी ड्यूएबल सेक्शन था। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात किया, सब लोगों को मैथ्स बहुत ही ईजी गया है। टॉकिंग अबाउट लॉजिक 75 मार्क्स का, उसमें ट्रेडिशनल लॉजिक, ओके, क्रिटिकल रीजनिंग से लेके ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल के एक दो सेट थे, ओके, लेकिन डुएबल थे। वर्बल का सिमिलर मीनिंग और ऑपोजिट मीनिंग वाला जो पार्ट था, उसमें तीन चार वर्ड्स लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उसमें आपका आरसी से लेके सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर, वो भी डुएबल था। एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत ईजी था। मतलब इन शॉर्ट, रिटेस्ट लोगों को बहुत ही फायदेकारक हुआ है। जिन जिन लोगों का रिटेस्ट में नाम आया था, उन लोगों को रियली ये मतलब उन्होंने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया कि आपको रिटेस्ट देने के लिए आपने एक स्टेप लिया, राइट? तो इन शॉर्ट, सारे स्टूडेंट जो अभी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, सब हंसते हंसते बाहर निकले हैं। जाते वक्त बहुत टेंशन में थे कि पेपर कैसे निकलेगा, लेकिन ये रिटेस्ट सबको ईजी गया है। अभी वही होगा कि ये रिटेस्ट के सेक्शन, रिटेस्ट का जो स्लॉट है वो कौन से स्लॉट में कंसिडर किया जाएगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 की स्लॉट 4, एंड प्लीज इनका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, या रिटेस्ट का स्लॉट कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से कंसिडर किया जाएगा, राइट? तो आने वाले समय में इसके ऊपर गवर्नमेंट से आंसर मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। और हमने सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ओके, जिन लोगों का रिटेस्ट नहीं हुआ है एंड जिन लोगों का रिटेस्ट हुआ है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कैप राउंड कैसे होगा, एफसी राउंड कैसे होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है, वो सारे स्टूडेंट्स अभी हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे अपडेटेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ओके? तो रिटेस्ट स्टूडेंट्स अभी आराम कीजिए, ओके? जो आपको टेंशन था बहुत बड़ा, वो निकल चुका है। जस्ट एंजॉय फ्यू डेज एंड गेट सेट रेडी फॉर एफसी राउंड। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।